मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री एंड वी हैव स्टार्टेड लेसन नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. स्ट्रक्चर ऑफ एटम. इसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जे.जे. थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, और जे.जे. थॉम्सन एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि आपके कैथोड रेज और एनोड रेज थी, ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी में एनोड रेज, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, प्रोटॉन कैसे हुआ. लेकिन जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, एटम का मॉडल जो आपका जे.जे. थॉम्सन ने दिया था, जे.जे. थॉम्सन ने आपका वाटरमेलन मॉडल या पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं उसको, वो जो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट नहीं दे पाया. तब आपका एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया. स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे किया वो हम डिस्कस करेंगे आज. उसने एक अच्छा सा मॉडल दिया था एटम का, जिसको फर्दर स्टडी किया गया था, और उसी के बेस पे जो हम आज एटम का मॉडल स्टडी करते हैं उसी के बेस पे ये अरेंज है. तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स कहाँ से लिए, हीलियम से ले लिए, हीलियम एलिमेंट है उसको उठाया, ठीक है, और एक सिल्ट में लगा दिया जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जनरेट होते हैं. अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है. वहाँ से उसने एक लेड की स्लिट टाइप लगा दी, ठीक है, लेड की क्या लगा दी, स्लिट. ये स्लिट क्यों लगाई, ताकि विच मेक श्योर कि वेरी थिन बीम कैन पास थ्रू इट, बहुत पतली सी थिन बीम ऑफ लाइट उसमें से पास हो सके, ठीक है. पास होकर के यहाँ पर उसने लिया एक गोल्ड फॉयल. क्या लिया, गोल्ड फॉयल, ठीक है, यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ हमें पार्टिकल दिखाने हैं. ये गोल्ड फॉयल है आपका, ठीक है, गोल्ड फॉयल लिया उसने, यानी सोने का, बहुत पतला, क्योंकि गोल्ड तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेलिएबल होता है, मेलिएबल और डक्टाइल होता है. मेलिएबल यानी कि उसको हम पीट पीट कर पतली पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो उसकी बहुत पतली सी शीट ली, सो बहुत वेरी थिन शीट, 1000 एटम्स की शीट ली उसने. 1000 एटम्स देख लो कितने कम होंगे, बहुत ही छोटी, ठीक है. उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल जब स्ट्राइक करा तो अल्फ़ा पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो गया. क्या हो गया, स्कैटर. उस स्कैटरिंग को ऑब्जर्व करने के लिए उसने यहाँ पर क्या लगाई, एक ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिसके ऊपर जैसे ही आपका पार्टिकल स्ट्राइक करेगा ग्लो करेगा, और यू कैन ऑब्जर्व कि हाँ देयर इज सम स्ट्राइकिंग, कि यहाँ पर कुछ टकरा गया है, ठीक है, यहाँ पर आइए. अब इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया उसने, और यहाँ पर एक माइक्रोस्कोप लगा दिया. ठीक है, और वो माइक्रोस्कोप कैसा था, मूविंग, वो इसके साथ साथ मूव कर रहा था, हर एक चीज़ को उसने ऑब्जर्व किया. तो इससे क्या पता लगा हमें, इस माइक्रोस्कोप में क्या देखा उसने, ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसका. अब क्या देखा उसने कि एक पार्टिकल, एटम ऐसे हैं, स्ट्रक्चर है एटम का ये इस तरह से, बीच में कुछ है यहाँ पर बनाया, इस तरह से एटम दिखाए. तो उसने देखा जब अल्फ़ा पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल क्या हैं, सीधे निकल गए बिल्कुल. ये इसी का, ये इसको बड़ा करके दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर, ये पार्टिकल, मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल क्या है, सीधे डायरेक्ट निकल गए. इससे क्या पता लगा कि मोस्टली स्पेस एटम में क्या है, खाली है. मोस्टली स्पेस एटम में क्या है, खाली है. अब कुछ क्या हो गए, एक एंगल से डेविएट हो गए. कुछ क्या हो गए, एक एंगल से डेविएट हो गए. डेविएट मतलब मुड़ गए, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज थे
तो यहाँ पर कुछ ऐसा पॉजिटिव ही होगा जिससे ये रिपेल हुए हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव से पॉजिटिव टकराएगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। रिपेल किया, यहाँ पर रिपल्शन हो गई। रिपल्शन होने के बाद क्या हुआ कि जब रिपल्शन हो रही है तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये रिपेल होकर उधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिवली प्रेजेंट है और कुछ बहुत ही कम परसेंट में अल्फ़ा पार्टिकल डायरेक्ट वापस आ गए, बिल्कुल उसी जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में वापस आ गए। इससे क्या पता लगता है, सेंटर में कुछ हैवी प्रेजेंट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, सेंटर में कुछ हैवी प्रेजेंट है जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि मोस्टली स्पेस खाली है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उसने क्या बताया कि जो आपका रदरफोर्ड है, उसने बोला सेंटर में आपका प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर दिया उसने कुछ। और बाकी स्पेस, ये वाला स्पेस क्या है, एम्प्टी है, ये वाला स्पेस क्या है, खाली है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके रदरफोर्ड ने बताया था। क्या किया था उसने, फिर से देखिए एक बार, अल्फ़ा पार्टिकल लिए, अल्फ़ा पार्टिकल को उसने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पर स्ट्राइक करवाए और ये स्लिट ली, और इस स्लिट को इसलिए लगाया ताकि वेरी फाइन बीम, बहुत ही फाइन किरण निकले सिर्फ इस अल्फ़ा पार्टिकल्स की बीम। अब वो बीम जा करके गोल्ड फॉयल से टकरा गई, गोल्ड फॉयल ने इससे टकरा करके वो स्कैटर हो गई और एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो रदरफोर्ड ने लगाई थी उसके ऊपर ग्लो जनरेट हुआ। दैट ग्लो, ये जो ग्लो है ये क्या दिखाता है हमें, ये ग्लो हमें दिखा रहा था कि यहाँ पर क्या बन के आया है, यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये क्या है, ये यहाँ पर स्ट्राइक हुआ है, मोस्टली जो है वो सीधे निकल गए, मोस्टली जो है सीधे निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, ये एक एटम है जिसमें मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गए, मतलब मोस्टली स्पेस एटम में क्या है, एम्प्टी है, खाली है। और जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल टकराए और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट हो गए एक पर्टिकुलर एंगल से, एक पर्टिकुलर एंगल से डेविएट हो गए, ठीक है। डेविएट होने के से क्या पता लगा, क्योंकि वो पॉजिटिव थे, पॉजिटिव से भागे हैं दूर, तो यानी कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिव प्रेजेंट है और कुछ अल्फ़ा, वेरी लेस 1% अल्फ़ा क्या है, बिल्कुल डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में मुड़ गए जहाँ से आए थे वो, यानी कि सेंटर में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रेजेंट है बहुत हैवी वेट का, जो इन अल्फ़ा पार्टिकल को बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मोड़ दिया इन्होंने उसने। तो जो आपका रदरफोर्ड है उसने क्या बताया, सेंटर में आपका प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये उसने क्या दिया, मॉडल, ठीक है। और मोस्टली स्पेस क्या है, एटम में क्या है, एम्प्टी है, खाली है, ये आपके रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है। अब रदरफोर्ड ने बता दिया कि आपका सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होता है, ये समझ में आ गया, इसको हम एक बार इरेज कर देंगे, तो हमने यहाँ पर प्रोटॉन बताया रदरफोर्ड ने और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ कुछ इस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है पता है हमें, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है ये पता है हमें, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ भागता है, अब ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता करता इसके अंदर गिर जाएगा और क्या हो जाएगा, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, एटम डिस्ट्रॉय थोड़ा ना होता है, एटम तो एग्जिस्ट करता है, एटम एग्जिस्ट करता है तभी तो सारे मैटर बने हुए हैं, तभी सारा यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज बाहर है, ठीक है, और मोस्टली स्पेस एम्प्टी है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं बता पाया कि ये रोटेट करके इसके अंदर गिर जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो एटम एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, ठीक है, वो इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाया। ये क्या थी, ड्रॉबैक, एटम की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाया, कौन, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड जब एक साइंटिस्ट फेल हो जाता है तब दूसरा साइंटिस्ट उसके अंदर एंटर करता है,
ठीक है, जब एक थ्योरी फेल हो जाती है तभी तो उस थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए नई थ्योरीज आती हैं। अब उन्हें ये तो पता लग गया साइंटिस्ट को कि सेंटर में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, बट इसकी स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब नहीं कर पाया रदरफोर्ड कि ये स्टेबल कैसे है। नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, वो उसके अंदर मिल जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से ये उसका ड्रॉबैक आ गया। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए फर्दर साइंटिस्ट आए और उन्होंने आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया। तो यहाँ तक रिवाइज करेंगे आप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।